नमस्कार दोस्तों, तो पिछली वीडियो पर मैंने आपको बताया था कि हम फ्लिपकार्ट पर एक न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि वहां पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस कैसे फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लें। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, तो आप पहले आप उसको देख लें और अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट पर बना लें। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए क्या क्या पेमेंट ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करते हैं और उसमें पेमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए हम सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए। पहला तो है सर्च बार, जहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। और नीचे देखिए, ट्रेंडिंग में भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप इन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर देखिए, एक आल कैटेगरी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी खुलकर नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी मोबाइल अभी पॉपुलर होगा यानी कि फेम में चल रहा होगा तो वो खुलकर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर सारी सेल प्राइस सब कुछ देखने को मिल जाएगी, तो आप किसी को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सिंपल स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं वन प्लस का मोबाइल अभी हाल में काफ़ी फेमस में है, तो उसी को देखते हैं, वन प्लस 8। तो यहाँ पर देखिए, वन प्लस के सारे फ़ोन खुलकर नज़र आ जाएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये है ऑनेक्स ब्लैक 256 GB, ये 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वाला है, काफ़ी लेटेस्ट मोबाइल है अभी हाल का। तो जैसे हम इसी को ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन रहते हैं, ऐड टू कार्ड और बाय नाउ। तो ऐड टू कार्ड पर क्लिक करके आप इसको अपनी कार्ड लिस्ट में जोड़ सकते हैं। जैसे हमको इसको बाय करना है तो हम सिंपल बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने ऑर्डर समरी खुलकर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर हमारा ऊपर एड्रेस दिखाई देगा जो हमने आईडी बनाते समय डाला है। और यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन है चेंज और एड्रेस, ऐड एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और कोई दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसकी प्राइस नज़र आई, यहाँ पर एक क्वांटिटी है, इस पर क्लिक करके आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी प्रकार की वो डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। हम सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सामने बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन खुलकर नज़र आ गए। सबसे पहला UPI यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उससे ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तीसरा नेट बैंकिंग, और इसको आप EMI पर भी ले सकते हैं। लेकिन जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है वो इसमें अभी बंद है, यानी कि इसमें 500 रुपये चार्ज लग रहा है पे ऑन डिलीवरी करने के लिए। जैसे हम डिटेल्स देखते हैं तो ये है, मतलब कि 500 रुपये एडवांस देने पड़ेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं, इनमें से किसी ऑप्शन को चुन सकते हैं। लेकिन जैसे हमको इसको नहीं लेना, यानी कि हमको तो कैश ऑन डिलीवरी ख़रीदना है, तो जैसे कि हमको कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो हम किसी और को देख लेते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में एक घड़ी है, ऑनर मैजिक वॉच 2, जो ये तीसरे नंबर पर, इसको क्लिक करूँगा। ये मुझे काफ़ी पसंद आई, इसकी प्राइस 11,999 रुपये हैं, लेकिन इसके फीचर्स इसकी प्राइस को कम कर देते हैं। देखिए, इसका ये लुक है, डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेंस दिए गए हैं जिससे हम हार्ट रेट अपने शरीर के देख सकते हैं, यानी कि हमारा हार्ट कितनी स्पीड में चल रहा है वो हम देख सकते हैं। बकाया आप डिटेल्स पर क्लिक करके और भी डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम इसको ऑर्डर करते हैं, देखिए यहाँ पर और सारी डिटेल्स दी गई हैं, 14 डे बैटरी लाइफ, म्यूजिक, यानी कि काफ़ी कुछ दिया गया है इसमें, ब्लूटूथ कॉलिंग भी है। जैसे कि हमको इसको परचेस करना है तो सिंपल बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने ऑर्डर समरी आ गई, हमारा एड्रेस दिखाई दे गया। हम सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर सारे वही पेमेंट ऑप्शन है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन हो गया, यानी कि चालू हो गया। तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने ये कैप्चा आया, हम इस कैप्चा को फिल कर देंगे और कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 दिन में फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर करते वक्त एक ही बात का सिर्फ ध्यान रखें कि कैश ऑन डिलीवरी ही ऑर्डर करें, जिससे कि कैंसिल करने में कोई दिक्कत ना जाए, यानी कि अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो आपके सारे पैसे लौटने का इंतजार ना करना पड़े, यानी कि आपने पैसे पे ही नहीं किए तो लौटने का इंतजार करना ही क्यों। तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें और जब चाहें
ऑर्डर मना कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट शिपेड हो गया, यानी कि प्रोडक्ट आ भी गया है, तब भी आप उसको लौटा सकते हैं आसानी से। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें तो आप काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।